8.1.4 मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमने तंत्रिकाओं और उनके द्वारा होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। हम जानते हैं कि इन प्रक्रियाओं में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की प्रमुख भूमिका होती है। मेरुरज्जु मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाओं से बनी तंतुनुमा संरचना है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरती है। इन कोशिकाओं के वसीय आवरण युक्त माइलिन भित्ति युक्त एक्सॉन रीढ़ की हड्डी के बीच के स्थानों से बाहर निकलकर शरीर के अलग अलग भागों में फैले होते हैं। काट में सफेद भाग। मेरुरज्जु में कुछ आवरणहीन एक्सॉन भी होते हैं जो अंदर के तरफ होते हैं। काट में धूसर भाग। किसी व्यक्ति के पीठ के बीच अगर मेरुरज्जु का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है एवं सूचनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती हैं, तो पैर व पेट वाले हिस्से असंवेदी हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति इन्हें अपनी इच्छा से हिला डुला नहीं सकता। यदि ऐसे व्यक्ति के तलुए में गुदगुदी की जाए तो पैर हट जाता है, किंतु उस व्यक्ति को इसका पता नहीं चलता। हमारे शरीर में भी कई ऐसी क्रियाएं चलती रहती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, जैसे आमाशय में पाचन की क्रिया का होना, रक्त की नलिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आवागमन, पाचक रसों का स्रावित होना, गर्म चीज से हाथ का स्पर्श होने से हाथ का हट जाना आदि। इस तरह की क्रियाएं जो हमारी इच्छा से संचालित नहीं होती, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। इनमें से कई सीधे मेरुरज्जु द्वारा संचालित होती है। इनकी सूचना मस्तिष्क तक भी पहुंचती है।